हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने हड़ताल तीज व्रत की पूरी पूजन सामग्री और कुछ नियमों में बात की थी। इस वीडियो में केवल और केवल विस्तृत पूजन विधि के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि व्रत स्टार्ट करने से पहले आप अपने मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखिए कि आपका जो ये व्रत है ये भगवान स्वीकार करेंगे। मन में जरा सी भी शंका नहीं लाइए कि अगर आपसे कोई पूजन विधि नहीं आ रही है तो भगवान या व्रत स्वीकार नहीं होगा या कुछ गलतियां हो गई। बिल्कुल भी शंका मत लाइए, क्योंकि अगर आप पंडित जी से भी पूजा करवाते हैं तो वो भी पूजन के लास्ट में आपसे क्षमा याचना करवाते हैं। क्षमा याचना के लिए मंत्र बोलते हैं, तो आप स्वयं ही पूजन के लास्ट में भगवान से क्षमा याचना कर सकते हैं पूजन के लिए। लेकिन अगर आप क्षमा याचना नहीं भी करते हैं फिर भी आपका व्रत भगवान स्वीकार करेंगे, वो इसलिए कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। फिर भगवान को श्रद्धा और भक्ति भाव से मतलब होता है। जब वो भक्त सबरी के जूठे वे खा सकते हैं, विदुर के द्वारा दिए गए केले के छिलके खा सकते हैं, तो भगवान आपका श्रद्धा पूर्वक किया गया व्रत स्वीकार क्यों नहीं करेंगे और गलतियां सभी क्षमा करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूजन विधि के बारे में। इस बार साल 2019 में हड़तालिका तीज के व्रत में थोड़ा सा मतभेद है कि 1 तारीख को रखें तो या 2 तारीख को रखें। तो आप अपना हड़तालिका तीज का व्रत जो है 2 सितंबर को ही रखें। तो इस व्रत में सबसे पहले आपको स्नान करने के बाद सुबह नॉर्मल पूजा करनी है माता गौरी की और शिव शंकर की, और व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प में आप चावल और फूल लेकर ये प्रार्थना कीजिए कि मैं आज हड़तालिका तीज का व्रत रख रही हूँ, प्रभु ये व्रत स्वीकार कीजिएगा, संपूर्ण कीजिएगा। तो व्रत के संकल्प के बाद अब आपको विशेष पूजा जो है रात्रि में करनी होती है। तो रात्रि में पूजा करने के लिए या तो आप मंडप में पूजा करें या फिर घर में आप सामान्य पूजा करना चाहें शिव पार्वती की, दोनों में ही एक ही विधि होंगी। तो रात्रि में पूजन के लिए सबसे पहले आपने जो भी मूर्तियां बनाई है या प्रतिमा वगैरह जो भी आपको रखनी है, तो भगवान को आसन देने के लिए आपको आसन तैयार करना होगा। आसन के लिए आपको एक पीढ़ा या पट्टा चाहिए होगा। आप उसमें किसी भी कलर का काला कपड़ा छोड़ के किसी भी कलर का कपड़ा, लाल और पीला ज्यादा शुभ होता है, कपड़ा बिछा के भगवान शिव की प्रतिमा को, शिवलिंग को आसन प्रदान कीजिए। आसन प्रदान करने के बाद आप कलश की स्थापना कीजिए और गौरी गणेश की स्थापना कीजिए, अष्टदल कमल का निर्माण कीजिए। सारी मैंने अलग अलग वीडियो दिए हैं अष्टदल कमल निर्माण कैसे करते हैं, गौरी गणेश की स्थापना कैसे करते हैं, आप मेरे चैनल पर जाके ये सारी वीडियोस देख सकते हैं अलग अलग। ये सारी पूजन तैयारियां करने के बाद आपको अपने आप को पवित्र कर लेना चाहिए। कुशाग्र को आपको जल में डुबोना है और जल में डुबो के आपको 3 बार इस तरह से अपने ऊपर पानी छिड़क लेना है। फ्रेंड्स, अगर पूजा करने से पहले हम जो भी भगवान को अर्पित करते हैं वो सारी चीज़ें हम पहले पवित्र करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर हर एक चीज़ हम भगवान को चढ़ाते हैं। तो इसीलिए अपने आप को भी पहले पवित्र कर लेना चाहिए। तो पवित्र करने का मंत्र एक होता है, ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वा अवस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत पुनरेकाच्छा सर्वभावभ्यन्तरः शुचिः। आप ये मंत्र बोलना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं बोलना चाहें फिर भी आप केवल जल गंगा जल से या जल से अपने को पवित्र कर लीजिए। इसके बाद आपको आचमन करना होता है। आचमन का भी मंत्र होता है, वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो आचमन के लिए आपको उल्टे हाथ में कुशा लेना है, कुशा की मदद से आपको सीधे हाथ में पानी डाल के और इस तरह से मुख में छुआना चाहिए इस तरह से 3 बार, और फिर आचमन करने के बाद आप थोड़ा सा हल्का सा अपना हाथ जो है धो लीजिए, हल्का सा मतलब वहीं पास धो लीजिए। तो हाथ धोने के बाद अब आपको गौरी गणेश की पूजन के लिए सबसे पहले उनका आवाहन करना चाहिए। तो आवाहन करने के लिए चावल और फूल लीजिए हाथ में और आवाहन कीजिए कि हे गौरी माँ गणेश जी, मैं आपका आवाहन करती हूँ, और उनके ऊपर चावल जो है छिड़क दीजिए। इसके बाद अब आपको भगवान शिव शंकर और गौरी मैया का आवाहन करना है। तो आप फिर से उसी तरह चावल फूल लेके हे गौरी मैया और भोलेनाथ, मैं आपका आवाहन करती हूँ, ऐसा करते हुए चावल छिड़क दीजिए। इसके बाद अब आपको गौरी गणेश का पूजन करना है। तो गौरी गणेश के पूजन के लिए सबसे पहले आप उन्हें कुछा की मदद से जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, चंदन लगाइए, पुष्प फल अक्षत चढ़ाइए, पैसे चढ़ाइए, फल नैवेद्य मिठाई वगैरह चढ़ाने के बाद अगरबत्ती वगैरह लगा के गौरी माँ और गणेश जी का पूजन यहाँ पे संपन्न कीजिए। इसके बाद अब गौरी शंकर की पूजा करेंगे। तो शिव शंकर की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप उन्हें जल से स्नान कराइए, गंगा जल से, इसके बाद पंचामृत से स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए। इसके बाद आप उन्हें भगवान शिव शंकर को जनेऊ अर्पित कीजिए, जनेऊ चढ़ाइए। इसके बाद भगवान शिव शंकर और गौरी मैया को चंदन लगाइए, दोनों को अपनी अपनी पसंद का चंदन लगाइए, भगवान को पीला, माता रानी को लाल, और इसी तरह उन्हीं के पसंद का उनको पुष्प वगैरह चढ़ाइए, बेलपत्र, शमी, जो भी आपके पास भगवान शिव शंकर माता गौरी की पसंद की चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों वो उन्हें
अर्पित कीजिए। फल नैवेद्य मिठाई जो भी आपने रखा हुआ है भोग चढ़ाने के लिए, गुजिया मिठाई जो भी आप पकवान बनाए हैं, वो सारी चीज़ें भगवान को अर्पित कीजिए। माता रानी को श्रृंगार का बहुत ज़्यादा महत्व है यहाँ पे, तो माता रानी को पूरा श्रृंगार जो भी आपकी श्रद्धा हो वो सारा श्रृंगार आप माता रानी को चढ़ाइए। और ये सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद हाथ में चावल फूल लेकर बड़ी ही श्रद्धा के साथ व्रत की कथा पढ़िए और सुनिए। और कथा पढ़ने सुनने के बाद अब आपको हवन करना चाहिए, तो हवन के लिए भी पहले अग्नि की पूजा की जाती है। अग्नि का आवाहन कीजिए, अग्निदेव आपका आवाहन करती हूँ। उसके बाद उषा की मदद से पहले अग्नि के पात्र जो भी आपने लिया हो, हमारे यहाँ मिट्टी का पात्र होता है, तो अग्नि के पात्र में ऐसे जल फिराइए, फिर स्नान कराइए पात्र में और चंदन लगाइए, पुष्प चढ़ाइए। इसके बाद अग्नि में हवन सामग्री जो भी आपने ली है वो हवन कीजिए। आप चाहें तो जो भी आप भोग लाए हैं भगवान शिव पार्वती के लिए वो भी आप भोग अर्पित कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद पुनः आपको जो है जल फिराना होता है अग्नि में, ठीक है, पहले एक बार बाद में। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, सारी पूजन विधि करने के बाद आप भगवान शंकर की आरती कीजिए। आरती के बाद आप प्रदक्षिणा करिए। प्रदक्षिणा में आपको वहीं पास अपने स्थान में रह के खड़ा आरती लेकर ही खड़े होकर गोल गोल घूमना होता है। तो आरती और प्रदक्षिणा के बाद आप हाथ में चावल और फूल लेकर जो है क्षमा याचना कीजिए कि हे शिव शंकर माता गौरी, मेरे व्रत में जो भी अगर गलतियां हो गई वो सारी क्षमा कीजिए। पूजन हम नहीं जानते, हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो क्षमा कीजिएगा जो भी गलतियां हो गई हो और हमारा व्रत स्वीकार कीजिए और चावल छिड़क दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो साड़ी का पल्लू है, ये दुपट्टा जो भी है आपने लिया है, तो उसमें आप सिंदूर लगाइए और माता रानी को वो सिंदूर लगा के अपने अपने माथे पे जो है वो सिंदूर लगा लीजिए। इसे सुहाग लेना कहते हैं। ऐसे आप 3 बार करिए और माता रानी को जो भी आपने चूड़ियां वगैरह चढ़ाई है वो चूड़ियां आप सुहाग के रूप में लीजिए। और बाद मनोकामना मांगने के बाद आप उन्हें जो है